हेलो एवरीवन, दिस इज कप्तान जैक स्पैरो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीलिम्स अब हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स को डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। दो तीन चीज़ें जो अपने को मेरे को बोलनी थी या बतानी थी वो मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉट ओनली द पेपर वॉज टफ, पेपर को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया हाउ द ऑप्शंस वर सेट, ठीक है। तो ऑप्शंस ने पेपर को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया, काफ़ी रैंडम वेग क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल रैंडम वेग बना दिया उसके ऑप्शंस ने। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई 10 से 12 क्वेश्चंस के अंदर यू विल सी कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की अलग अलग है ही, और यूपीएससी की भी बहुत ही अलग होगी, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें बता दिया इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कई सारे। हाउ यूपीएससी एग्जामिनर वुड इंटरप्रेट दैट इज समथिंग दैट इज येट टू बी सीन, ठीक है। तो प्री के बारे में काफी हल्ला हो गया, काफी कुछ हो गया है, बट इफ़ यू आर इन दिस प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग हॉल, अगर आप यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए हो या लंबे समय से हो, तो अब तक आपको पता ही होगा दैट प्री इज जस्ट एन एग्जाम जो आपको एलिमिनेट करता है या क्वालिफाई कराता है, ठीक है। तो अभी उस पर काफ़ी हो चुका है, अब कोई पॉइंट नहीं है उसका, ठीक है। मार्क्स वर्क्स भी आपने सारी कोचिंग से देख ही लिए होंगे, जो भी आपने देखे होंगे। मैं फिर भी ये बोलूँगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, तो प्री कैसे करना है ये हम एक महीने बाद देखेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि वेदर यू आर इन और नॉट, ठीक है। आप अंदर हो या बाहर हो, उसके बाद एक अकॉर्डिंगली हम जो है कुछ देखेंगे कि कैसे अपन और अपनी प्रिपरेशन को रेलेवेंट बना सकते हैं यूपीएससी पेपर के अकॉर्डिंग। अब वैसे वो अलग बात है कि इस पेपर में क्या ही प्रिपरेशन और क्या ही रेलेवेंस, बट ठीक है चलो। पर बाकी लेट अस टॉक अबाउट मेंस नाउ, क्योंकि अगर आपका प्री हो रहा है तो यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद योर मेंस। अगर आप जो है बॉर्डर पर भी हो, बिकॉज कोई किसी को मार्क्स जो है एग्जैक्ट पता नहीं है गाइस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी किसी को अपने एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता होते। यूपीएससी है भाई, कब क्या करते कुछ पता नहीं है, ठीक है। 2022 में भी उन्होंने दो क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, एक या दो क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, एंड क्यों किए हैं नोबडी नोज। अब वो आंसर की आएगी तब मालूम पड़ेगा, ठीक है। 2021 में भी ऊपर नीचे हुआ था, 2020 में भी उन्होंने क्वेश्चन ड्रॉप किए थे। तो कब क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए और कितने कौन सी आंसर की ली तुम इन हो आउट हो, यू नेवर नो। इसीलिए अपना कर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है कि आगे देखो। अगर आप प्रोसेस में हो तो यूपीएससी से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करो, और अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर तो ये वीडियो यहीं पे बंद करके अपना आगे निकल जाओ, ठीक है। एनीवेज, सो टुडे, अच्छा कट ऑफ पे भी दो शब्द कि कट ऑफ जो है, अगेन मैं कल भी बोला था कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्चुअली प्रिडिक्ट अ कट ऑफ, क्योंकि क्या है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही पेपर है। समझ में आ रही है कि मतलब क्या ही बच्चों ने कैसे किया हुआ, आई कांट गेस। स्पेकुलेट करने के लिए भी कुछ तो सब्सटेंस हो, वो दिखाई नहीं दे रहा है। स्टिल मैं करूंगा, आई टेक माय टाइम टू डू द एनालिसिस एंड आल्सो टू कलेक्ट द व्यूज दैट वेरियस पीयर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट वो क्या बोल रहे हैं, उनके दिमाग में उनके जो 6-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है वो क्या है। बट स्टिल आई वुड से ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज जस्ट रेलेवेंट नाउ, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट बहुत जल्दी यूपीएससी दे देगी, तो वहीं से देखना। बट ठीक है, कर दूंगा कट ऑफ वी प्रेडिक्ट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम गोना टॉक अबाउट GS3, काफ़ी सही पेपर लगता है मुझे, स्कोरिंग रहा है मेरे लिए हमेशा। तो GS3 के बारे में आई एम गोना टॉक अबाउट, उसमें भी टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैंने बोला है मोस्टली सभी लोगों अपनी नेक्स्ट वीक से प्रिपरेशन चालू करें मेंस की, आई ट्राई कि नेक्स्ट वीक तक मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा GS के ये ऐसे एनालिसिस वीडियोस बना दूं, सो दैट आपको थोड़ी बहुत प्लस माइनस जो भी हेल्प हो सके वो हो सके। एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर। देखो प्री में और मेंस में सबसे बड़ा अंतर ये है कि प्री कैसा भी कुछ भी आए, लेकिन मेंस जो है वो वेल लेड आउट प्लान के अकॉर्डिंग आता है, उसके लिए वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है, और हर साल क्वेश्चन उसी सिलेबस से पूछ रही है। अब देखो यार, यूपीएससी इतनी अनसर्टेन होती है ना कि वो कुछ भी कर सकती है, वो तो अलग बात है, बट दैट डजंट मीन कि हम अपना प्रिपरेशंस एक स्ट्रक्चर वे में ना करें। उसके लिए सिलेबस है हमारे पास, उसी को फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है क्रॉपिंग पैटर्न एंड ऑल दैट। अब वीडियो पॉज कर लेना, पढ़ लेना, अगर आप एक या दो बार दे चुके हो मेंस तो आपको वैसे भी ये सिलेबस याद ही होगा, ठीक है। तो अपनी जो प्रिपरेशन करनी है आपने, वो याद रखना कि इस सिलेबस के लेंथ एंड ब्रेथ में करनी है, इसके बियॉन्ड जाके नहीं करनी है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोड्यूस, मार्केटिंग से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें, ई टेक्नोलॉजी, देन फार्म सब्सिडीज का इशू, एंड देन MSP का इशू, देन यू हैव PDS का इशू, तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्पिंग,
बफर स्टॉक्स का इशू, फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट भी था, एंड टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक है, तो लाइव स्टॉक, देन यू हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड सारी चीजें, एंड देन लैंड रिफॉर्म्स जो कि प्योरली स्टैटिक है. चलते हैं आगे. तो अब तक क्या ट्रेंड रहे हैं, व्हाट हैव बीन द ट्रेंड्स टिल नाउ, सॉरी, तो अब तक क्या ट्रेंड्स रहे हैं वो देख लेते हैं. तो ट्रेंड्स क्या रहे हैं साहब, कि इस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं. देखो 2013 से स्टार्ट हुआ और 2022 तक के मैंने जो इसमें ट्रेंड्स दे रखे हैं, ये पीडीएफ आप टीम जीजी, टीम केजीएस करके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर ये पूरी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, नॉट आईएएस ने बनाई थी, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. क्वेश्चंस भी सेग्रीगेटेड हैं. एनीवेज, तो पॉइंट आता है कि 2022 तक के इसमें दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो क्रॉपिंग पैटर्न एंड उस सबसे क्या क्वेश्चन ट्रेंड रहा है. तो लास्ट 3 ईयर्स के तो अपने को पकड़ नहीं है, क्योंकि दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट की. अब देखो प्रिडिक्ट अगेन, देखो प्रिडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई जो मैं प्रिडिक्ट कर दें, हम जो प्रिडिक्ट करें या जो हम आपस में स्पेकुलेट करें वही पूछ ले. प्रिडिक्ट का मतलब ये है कि वो प्रिडिक्ट है, दैट्स नॉट सर्टेनिटी, ठीक है. तो फिर यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स के जरूर देखना आप, ठीक है, कई बार हेल्प हो जाती है एक्चुअली कि क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस हैं, स्पेकुलेट कर पाते हो आप कभी कभी, ठीक है, तो कभी कभी बहुत हेल्प भी हो जाती है. जब मैं सेलेक्ट हुआ था 2021 में, तो उस समय मैंने किया था एंड काफ़ी हेल्प हो गई थी, लगभग क्वेश्चन वहीं से आ गए थे तो मार्क्स भी सही आ गए थे. तो वही है, इसी को बोलते हैं हम प्रिपरेशन. व्हेन प्रिपरेशन इज डन विद फुल हार्ट, तो फिर लक भी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है और कई बार नहीं भी चलता है, दैट इज जस्ट लाइफ, ठीक है. तो देख लो कि मेजर चंक जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं. तो आप देख सकते हो एक तो मार्केटिंग वाला, ठीक है, और एक पीडीएस वाला. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल आपके क्वेश्चन दिखाई देते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगी, ठीक है. मैं यहाँ पे कोई आपको प्री कंसीव नोशन नहीं दे रहा हूँ कि क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं. मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर जो पूरा सेक्शन है काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है, तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आई एम टेलिंग यू, अगर 50-75 नंबर का या 100 नंबर का, डिपेंडिंग अपॉन जितने भी नंबर का आता है, तो आप बड़े आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है. तो 50 एक नंबर तो कम से कम इसमें से यूपीएससी पूछती है मिनिमम, ठीक है. तो काफ़ी अच्छे, मान के चलो दो क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ये यूपीएससी का लगभग ट्रेंड रहा ही है. तो इसीलिए प्रिपेयर इट वेल. फिर सोर्सेज क्या रहेंगे साहब इसके, ठीक है. तो सोर्सेज वही है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे, मृणाल सर का जो वेबसाइट है mrunal.org, उस पर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ओल्ड आर्टिकल्स लिखे थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गया. तो वो सर के एक बार बस जस्ट रीड इट वंस, ठीक है, एक बार पढ़ लो वहां पर जाके और वहां से शॉर्ट नोट्स एक्सट्रैक्ट कर लो. ऐसे और भी जैसे कि लेट अस से मार्केटिंग से रिलेटेड सर के बहुत अच्छे कंपाइलेशन नोट्स पड़े हुए हैं उस पर mrunal.org पर, ठीक है. तो वहां से जो है आप अपना बेस मटेरियल उसको बना सकते हो, जो जो सर ने वहां पर कवर कर रखा है, ठीक है, तो वो कर लो. उसके अलावा लास्ट ईयर के मेंस 365 से स्टार्ट करो. लास्ट ईयर के मेंस 365 में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से विजन ने कवर कर रखी हैं. आप जा सकते हो उनके पोर्टल पे, वहां से आप जो है डाउनलोड करके अगेन शॉर्ट कंपाइलेशन, टू द पॉइंट कंपाइलेशन अपना बना सकते हो. इसके अलावा वन थिंग दैट आई ऑलवेज से कि आप टॉपर्स की आंसर स्क्रिप्ट्स को लो, वहां से उन आंसर स्क्रिप्ट्स में जो भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, पहले तो ये देखो कि उन्होंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया है, ठीक है, व्हाट हैव बीन द हाई पॉइंट्स एंड द लो पॉइंट्स इन देयर आंसर्स. फिर दूसरा ये देखो कि भाई इसमें कौन सी नई चीज है जो उस टॉपर ने डाल रखी है. जैसे कई बार होता है कि हम जनरल कॉन्टेंट, जैसे मृणाल सर का हुआ, मीन 365 हुआ, यहाँ पे जनरल कंटेंट मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, पर टॉपर्स उसमें क्या कर देते हैं कि भाई टॉपर्स ने हो सकता है कोई अच्छी कोई केस स्टडी, उसने एग्जांपल कोई दे रखा हो, कोई नया डेटा दे रखा हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है. तो उस हिसाब से प्लीज गो थ्रू टॉपर्स आंसर स्क्रिप्ट्स, जो कि आपको वहां से कुछ रेलेवेंट नया और कोई नया या कोई स्पेसिफिक कॉन्टेंट वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो तो अच्छा है. इसके अलावा आई फील कि विजन आईएएस के जो पास्ट ईयर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स भी आप पढ़ सकते हो. जैसे अभी टॉपर्स के लिए जो एक्सरसाइज आप कर रहे थे, विजन आईएएस के लास्ट ईयर के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन थे टेस्ट सीरीज के, वहां से आप जो है आंसर उनके पढ़ो. वहां से टॉपिक वाइज कुछ कुछ सेग्रीगेशन कर लो, कुछ कुछ अच्छा कंटेंट कलेक्ट कर सकते हो. कोई कमिटी का रिकमेंडेशन उन्होंने लिख रखा होगा वहां, या कोई केस स्टडी या कोई डेटा, वो सब चीज़ें वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम देयर. तो उन वहां से भी आप कुछ बेहतर अपने इस वाले कंटेंट में ऐड कर सकते हो. इसके अलावा मेरे खुद के नोट्स भी हैं एग्रीकल्चर पे, मैंने शेयर कर रखे हैं, ठीक है. तो आप वही टीम केजेस पे जाओगे तो वहां पर मैंने पीडीएफ बहुत पहले लास्ट ईयर आई अपलोडेड दैट, तो उसके थ्रू यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. मतलब ये सारा काम मैंने उसमें कर रखा है, एंड क्योंकि वो 2021 के हैं तो आप अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल्स, ठीक है,
तो करंट अफेयर जब भी आपको सर्च करना हो, कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, मान लेते हैं मार्केटिंग, ठीक है, तो क्या करो कि गूगल को यूज करो, मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग द हिंदू ऐसे करके गूगल करो, तो उसमें स्टार्टिंग के एक दो आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, हिंदू के हो गए या एक्सप्रेस के हो गए, तो एक या दो पढ़ लो क्योंकि वो मोस्ट रेलेवेंट होंगे, मोस्ट करेंट होंगे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा रीड करके वॉट एवर न्यू कॉन्टेंट यू कैन गेट, ठीक है, तो वो हो गया। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी जी लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक्सपर्ट हो गए उसके, ठीक है, गवर्नमेंट भी उनके उनको जो है यूज़ करती है, उनके आर्टिकल्स को यूज़ करती है, या फिर कोई कमिटी बनती है तो उनको हमेशा जो है एक स्टेक होल्डर बना के चलती है, तो उनके कोई आर्टिकल अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो ऐसे ही सर्च कर लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फूड प्रोसेसिंग इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे सर्च करके कुछ एक दो आर्टिकल पढ़ लो, एक दो आर्टिकल पढ़ लोगे तो काफ़ी है, रीड मोर एंड देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड कर लेना। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। अब ये कोई असेंशियल नहीं है, सब कुछ नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे प्लस माइनस देख सकते हो, मैं तो जनरल बता रहा हूँ व्हाट कैन बी डन, इसको अपने हिसाब से पर्सनल अपने कंजम्पशन के लिए यू कैन क्यूरेट इट योर सेल्फ। सिमिलरली बिजनेस लाइन एंड मिंट आर्टिकल्स, ठीक है, तो अब कप्तान क्यों आप चार न्यूज़पेपर बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, देखो जब आप सिलेबस देखते हो, ठीक है, तो आप एक बार सिलेबस देखो, ठीक है, तो इस सिलेबस में जैसे PDS है, ठीक है, या बफर स्टॉक है, फूड सिक्योरिटी है, तो ये वाला पूरा द हिंदू बहुत अच्छे से कवर करता है, ठीक है, एनिमल रियरिंग या फिर लाइव स्टॉक हो गया तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस अच्छे से कवर करता है, फूड प्रोसेसिंग इंडियन एक्सप्रेस हिंदू दोनों ही अच्छे से कवर करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स तो प्योरली स्टैटिक हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न और ये सब तो प्योरली स्टैटिक हो गया, इरिगेशन का कभी कभी जो है इसमें क्या बोलते हैं द हिंदू बिजनेस लाइन में आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है, कि भाई ये माइक्रो इरिगेशन हो गया, उसके ऊपर आ गया, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, या फिर जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके लिए बिजनेस लाइन और मिंट बहुत अच्छे से लेके आते हैं, ठीक है, ई टेक्नोलॉजी, तो उसमें AI कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस स्टार्टअप की कोई जर्नी होगी, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा होगा मिंट वालों ने, तो वहां से आपको केस स्टडीज मिल सकती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन प्रॉब्ली रेफर टू दीज ऑल्सो, बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज, तो भाई ये न्यूज़पेपर जो है वो कैसे हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग ज्यादातर लिखते हैं, यहाँ पे मैं कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको अदर व्यू भी मिल रहा है, कि आप हिंदू पढ़ोगे तो वहां पर क्या आएगा कि भाई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं फार्म सब्सिडीज जो है डायरेक्ट ही रखो, इनडायरेक्ट रखो, जो भी उनका एक आइडिया रहेगा, ठीक है, बट ये लोग क्या करेंगे उसको द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम आपको देंगे, तो कुछ चीजों में कुछ आर्टिकल्स इनके हेल्प करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है, ठीक है, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका कंटेंट कैसा है। सी एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक आता है, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक, इफ यू विल गो थ्रू माई नोट्स तो यू विल रियलाइज दिस, कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें यही है कि पहले तो भाई टॉपिक क्या है, जैसे सब्सिडीज का आया तो सब्सिडीज क्या है, ठीक है, तो उनकी एक लाइन की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फिर इंडिया में क्या स्टेटस है सब्सिडीज का, डायरेक्ट कितनी परसेंट है, इनडायरेक्ट कितनी परसेंटेज है, ठीक है, समझ में आया, फिर उसके बाद कि वाई डू वी नीड लेट अस से सब्सिडीज, ठीक है, फिर उसके बाद लेट से कि हमको डायरेक्ट सब्सिडीज क्यों प्रेफर करनी चाहिए या इनडायरेक्ट सब्सिडीज क्यों प्रेफर करनी चाहिए, दोनों के प्लस माइनस क्या है, ठीक है, फिर रीसेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे काफी हेल्प करता है कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो वो वाली चीज, तो गो थ्रू PYQs फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वही जो PDF है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने मार्क्स वाला स्क्रीनशॉट जो डाला था वहीं पे आप जो है PYQs भी उसी में दे रखे हैं उसी PDF में, तो वहां से देखो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC, किस थीम पर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस रेंज पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो प्रीलिम्स का गेम अलग है, मेंस का गेम अलग है, प्रीलिम्स इस साल का एनोमली हो गया कि एकदम रैंडम आ गया, बट प्रीलिम्स में भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मेंटेन करते थे वो अलग बात है, इस बार कुछ पता नहीं क्या किसकी भैंस चली गई, किसकी गाय चोरी हो गई, कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला हो गया मामला, बट स्टिल तो मेंस में लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है UPSC का, तो गो थ्रू PYQs फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप PYQs को देखोगे समझोगे कि UPSC की डिमांड क्या है, अंडरस्टैंड द कोर डिमांड, एक बार ये समझ में आ गया तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में तुम अपने आप अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लोगे, जैसे कि एग्रीकल्चर में डेटा यार आपको बहुत देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मान लो इरिगेशन पे क्वेश्चन आया कि माइक्रो इरिगेशन पे अगर क्वेश्चन आया तो तुमको देना पड़ेगा कि 70 हेक्टेयर 70 मिलियन हेक्टेयर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि 70 मिलियन हेक्टेयर जो है हम माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं,
फिर तुम्हें ये डेटा भी पता होना चाहिए कि अभी तक हम सिर्फ 10% ऑफ इट कर पाए हैं, ठीक है। तो 7 मिलियन हेक्टेयर हम अभी तक कर पाए हैं, तो हम बिलो पोटेंशियल हम काम कर रहे हैं। तो माइक्रो इरिगेशन पे क्वेश्चन आया और तुमने ये डेटा नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। या आपने फाओ की रिपोर्ट को अगर आपने फाओ की रिपोर्ट को जो है कोट नहीं किया वहां पर, कि फाओ की रिपोर्ट ये बताती है कि प्रोडक्टिविटी 3 से 5 गुना बढ़ सकती है अगर हम माइक्रो इरिगेशन को यूज करेंगे, फार्मर की इनकम 20% तक इंक्रीज हो सकती है, तो फिर ये ज्यादा बेहतर रहता है। अब इसका इट डजंट मीन कि आप इसी के पीछे भागो, ठीक है। ये आपको कहीं अलग से नहीं लेके आनी है चीजें, जो मैंने चीजें बताई हैं वहीं से ये सब मिल जाएंगे। आप आर्टिकल्स पढ़ोगे हिंदू के, एक्सप्रेस के, या मिंट के, या टॉपर्स की पढ़ोगे, टॉपर्स के कॉपीज पढ़ोगे तो वहां पे ये दे, या मृणाल भी पढ़ोगे तो वहां पे ये सब दे रखा है, बट यू हैव टू कलेक्ट दिस ऑल्सो। तो डेटा फैक्ट आपको एक रखना ही है। सो लॉट्स ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। कमिटी रिकमेंडेशन आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एन के सिंह पैनल जो थे उन्होंने बोला है कि फार्म सब्सिडीज में हम डायरेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से शांता कुमार कमेटी ने बोला है कि 2,000 रुपये एकड़ हम जो है पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कमेटी रिकमेंडेशन, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट कमेंट्स तो मैंने बताई दिया कि अशोक गुलाटी जी का आप नाम इनफैक्ट लिख भी सकते हो इफ यू वॉन्ट, इट इज अप टू यू। वंस यू आर डन विद ऑल दिस कि भाई अब मैंने जो है PYQs पढ़ लिए, ठीक है, मैंने PYQs पढ़ लिए, उस हिसाब से मैंने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए, एंड लॉट्स ऑफ कमिटी रिकमेंडेशन ये सब थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया अकॉर्डिंगली, देन यू शुड प्रैक्टिस PYQs, ठीक है। मोस्टली स्टैटिक टॉपिक रहते हैं इसमें जनरली, तो PYQs को आप जहाँ पे जो है प्रैक्टिस करें अपने टाइम बाउंड मैनर में, 7 मिनट में 9 मिनट में 10 मिनट में जो भी आपको लगता है। क्लोजिंग कॉमेंट्स यही है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ GS3, ठीक है, ये काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आपने अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करी है, आपके नोट्स में दम है, तो ट्रस्ट मी ये वाला सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी स्कोरिंग। 10 नंबर 10 नंबर 15 नंबर और 15 नंबर, टोटल 50 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया तो आप यहां से 35 से 40 नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। पूरे